आपको एक नजर देंगे जीत की, और आपको एक दुआ दे रहा हूँ, नसरुल मिनल्लाही व फतहुल करीम। इंजन थी राज ठाकरे साहब, जिनको हमारी मस्जिदों की अजान से प्रॉब्लम है, वो पार्टी से निकला। नगर सेवकों को यह कहकर वोट दिया कि ये मोदी के खिलाफ में काम करेंगे, ये बीजेपी को रोकेंगे, मगर ये 47 लोग जो कांग्रेस के आपके वोटों से चुनकर गए, उन लोगों ने यहाँ का जो बीजेपी का आरएसएस का एजेंट है उससे पैसे लेकर ना कि कांग्रेस का महापौर बिठाया, बल्कि बीजेपी के विलास पाटिल को महापौर बनाया, ताकि पब्लिक के अंदर, ये तो पश्चिम विधानसभा है, आप पूरा विधानसभा के अंदर चलिए, इंशाल्लाह हमने बहुत लेट फैसला किया है, हमने आपको बहुत लेट समर्थन दिया है, लेकिन ये 4 दिन के अंदर खाली गुड्डू के नाम पर, एमआईएम मजिस्ट्रेट हाथू के नाम पर आपको 25-30 हजार वोट का इंशाल्लाह हम लोग फायदा दिलाएंगे। और सर, ये पब्लिक के अंदर खाली गुड्डू साहब की एक बहुत बड़ी टीम है, आप ये बस समझिए कि वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर से आपको फायदा नहीं पहुंचा सकता। हम लोगों ने इसी यही जगह पे 45 हजार वोट, जो हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ मौजूद थे, यही थे, हम लोगों ने 45 हजार वोट एमआईएम के नाम पे लिया है। क्या है, हम जेल में रहकर 25-30 हजार वोट आपको नहीं दिला सकते? और बहुत बड़ी टीम है साहब, आप बहुत लेट हो गया, लेकिन हमारे पास 4 दिन का समय है, 4 दिन में अल्लाह ने चाहा तो हम एक अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। और एक बात और आपको बता दूं, ये सिलाई मशीन एक मुतबर्रिक निशानी है, मैंने मेरी वाइफ का एक फॉर्म भरा था कॉर्पोरेशन के अंदर, वो भी डबी कंडीन के 350 वोट, जो कि मैंने खुद फॉर्म भरा था, अपनी बीवी का निशान मैंने सिलाई मशीन लिया था, खुदा की कसम ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 350 वोट सिलाई मशीन के नाम पे वोट मिल गया। आपके साथ एक बहुत बड़ा नाम आज 4:30 बजे रिचर्ड होटल के अंदर बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, शायद लोग बैठे हुए हैं, खालिद गुड्डू के लोग, मतलब लोगों ने एक तरीके से डरा के रखा है, लेकिन मैं आपसे एक वादा लेता हूँ, आप उनका डर खत्म कीजिए और सारे लोगों को बोलिए बाहर निकलिए, इंशाल्लाह ये हम आपको एक नजर देंगे जीत की, और आपको एक दुआ दे रहा हूँ, नसरुल मिनल्लाही व फतहुल करीम। हमारे दरमियान एडवोकेट अमल कांबड़ेसर, जनरल सेक्रेटरी एमआईएम के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी दो बात 2 मिनट में रखें। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ज्यादातर तकरीर करनी नहीं आती, मैं यहाँ पर जो बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे, सबसे पहले उनको बोलता हूँ कि अभी चिल्लाओ मत, थोड़ा सुनो, आपके लिए है। नीलेश सामरे साहब जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, लोकसभा उम्मीदवार, एक श्लोक, चिल्लाओ मत, लोकसभा उम्मीदवार नीलेश जी सामरे साहब, नीलेश सामरे साहब को वोट क्यों करना है? एक तरफ जैसे फैज खान साहब ने, हमारे फैज आलम साहब ने बताया, अबू ताहिर आजमी साहब ने बताया कि इस शहर ने 2017 के कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर 47 नगर सेवकों को यह कहकर वोट दिया कि ये मोदी के खिलाफ में काम करेंगे, ये बीजेपी को रोकेंगे, मगर ये 47 लोग जो कांग्रेस के आपके वोटों से चुनकर गए, उन लोगों ने यहां का जो बीजेपी का आरएसएस का एजेंट है उससे पैसे लेकर ना कि कांग्रेस का महापौर बिठाया, बल्कि बीजेपी के विलास पाटिल को महापौर बनाया। क्या ये तल हकीकत नहीं है? आज जो उम्मीदवार लोकसभा का चंदा मामा, जिसको मैं चंदा मामा कहता हूं, लोग चन्ने के लिए उसके पीछे भाग रहे, और आपके कान में आकर क्या बता रहे, चलो चलो संविधान को बचाते, आपके कानों में आकर कहा क्या जा रहा है, चलो चलो सेकुलरिज्म को बचाते। और ये कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना किरदार बेचकर आरएसएस के लोगों से कहा था कि आपको महापौर बनाते, हमारा क्या? इलेक्शन से पहले ये लोग बोलते विकास,
और इलेक्शन जैसे खत्म हो जाता है बोलते विलास विलास विलास, पैसा सिर्फ पैसा, इनका माई इनका बाप सिर्फ पैसा है। आज चंदा मामा के पास पैसा है तो चंदे के लिए लाइन लगाए, अरे ईडी मांग रहे 25-25 हजार, शर्म आनी चाहिए। और आपके कान में आके बोल रहे नहीं ट्रिपल तलाक का मसला है, नहीं हिजाब का मसला है, आप पाल्या मामा को वोट देना पड़ेगा। पाल्या मामा कौन सी पार्टी से आया? एनसीपी से उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा, एनसीपी नहीं मन से, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिसकी निशानी इंजन थी राज ठाकरे साहब, जिनको हमारी मस्जिदों के अजान से प्रॉब्लम है, वो पार्टी से निकला, वहां पर सक्सेस नहीं हुआ तो बीजेपी में चला गया, वहां पर कुछ नहीं मिला तो एनसीपी में चला गया, वहां कुछ नहीं मिला तो शिंदेगढ़ में चला गया। शिंदेगढ़ क्या कह रहा है कि हम हिंदुत्व के लिए, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के लिए एनसीपी मोदी जी को वोट कर रहे हैं, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और ये गया शिंदेगढ़ में, वहां पे भी इसकी दाद नहीं करी तो अभी फिर चोरा बदल के सेकुलरिज्म, संविधान, मुसलमान, ट्रिपल तलाक, आपको बचाने के लिए चोला बदल बदल के। और ये 18 लोग नचनिया बन के इसके आगे पीछे तबला बजा रहे कि संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ। संविधान को बचाने के लिए संविधान को मानने वाला इंसान लगता है वो इंसान नीलेश सांबरे है, इसलिए एमआईएम ने खुले मन से उनका ऐलान किया, उनका समर्थन किया। मैं आपको एक बात और याद दिलाऊं, इसी मंच पर, इसी पाक दरगाह दीवान शाह के ऊपर 2019 में भिवंडी विधानसभा का चुनाव हो रहा था और हमारे बड़े भाई खालिद गुड्डू जो एमआईएम के सदर थे उनका मजमा लगा था सांबरे साहब। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ के लोग भी उसके गवाह है। असद साहब जब वहां से आए थे तो चीटी जा सके इतनी भी जगह नहीं थी। हमारा भाई आज हमारे बीच में नहीं है, वो जिन्हें तालीमों की वजह से जेल के सलाखों के पीछे, मगर उसकी आप और इस भाई का दिल टूटता है, ये टूटता हुआ दिल आपको जिताने की कसम खाता है और लोकसभा के अंदर भेजेगा, इंशाल्लाह भेजेगा। ये जो आपका सौदा कर रहे नहीं ट्रिपल तलाक का मसला है, हिजाब का मसला है, बाबरी मस्जिद का मसला है, मगर कैंडिडेट कौन है तुम्हारा? ये मेंढक की तरह आज यहाँ से उछल के वहां, वहां से उछल के यहाँ, ऐसे चंदा मामा को क्या आप लोग वोट दोगे? अरे जिसने आपके बच्चों के लिए बनाया सीबीएसई स्कूल, एक नहीं बनाया, 8 बनाए, एक सीबीएसई स्कूल में बच्चा मेरा पढ़ता है, उसकी फीस है 90,000 रुपया, 30,000 रुपया बस का ट्रांसपोर्ट। अगर वो 8 स्कूल बना रहा है तो 8 स्कूल में 8,000 बच्चे पढ़ते होंगे तो 8,000 के हिसाब से गिन लो कितना प्रॉफिट वो कमा सकता है। 20,000 बच्चे पढ़ते हैं तो 20,000 का 1,00,000 भी पकड़ेंगे तो कितना करोड़ हो गया वो घर बैठे कमा सकता है, मगर सारे स्कूल फ्री है। मोहल्ला क्लिनिक स्कूल, कोई भी मोहल्ले में अगर बच्चा बीमार है किसी भी दवाखाने में जाओ, डॉक्टर 300 रुपया फी लेता है, 800 रुपए की दवा लिख के देता है, मगर मोहल्ला क्लिनिक में फ्री है। अजान हो रही है, यहाँ पर रुकूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। Allah